हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीएसआईआर नेट का एक क्वेश्चन जो कि 2022 में आया था, जो कि हमारा क्वेश्चन रियल एनालिसिस से है। हमें क्या दिया गया है, फोर नॉन नेगेटिव इंटीजर के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो डिफाइन, हमें फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ ऑफ के एक्स इक्वल टू एक्स की पावर के डिवाइड अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्केयर। और साथ में क्या देखा, एक्स हमारा क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हमें कंडीशन साथ में याद रखनी है कि एक्स हमारा क्या है, एक्स ग्रेटर ऑलवेज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो हमें क्या बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। फॉर ईच के एफ के जो फंक्शन ऑफ बाउंड्री वेरिएशन, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया कि हमें बाउंड्री वेरिएशन चेक करना है फंक्शन का कि फंक्शन बाउंड्री वेरिएशन बन रहा है नहीं बन रहा। फर्स्ट हमें चेक करना है कि फंक्शन बाउंड्री वेरिएशन बन रहा है नहीं बन रहा, वो भी किसमें, कॉम्पैक्ट इंटरवल में। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, फॉर एवरी के इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ के एक्स डी एक्स लेस देन इन्फिनिटी, मीन्स फंक्शन की वैल्यू फाइन, इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है, फाइनाइट। सेकंड हमें ये चेक करना है। थर्ड क्या है, लिमिट के टेंड टू इन्फिनिटी जीरो टू वन एफ ऑफ के डी एक्स डी एक्स एग्जिस्ट, मीन्स ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी मीन्स किसकी वैल्यू भी फाइनाइट आ रही है नहीं आ रही। और साथ में हमें क्या बताना है, फोर्थ ऑप्शन में क्या था, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ के इज कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, हमें बताना है कि फंक्शन जो हमारा एफ ऑफ के है वो कन्वर्ज यूनिफॉर्मली कर रहा है किसमें, जीरो टू वन में। तो अब हम इसको चेक करते हैं वन बाय वन। तो हम सबसे पहले ऑप्शन फोर्थ चेक करते हैं, हमें क्या करना है, एफ ऑफ के इज यूनिफॉर्म कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन इंटरवल जीरो टू वन। हमें बताना है कि फंक्शन जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है हमारी वो यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर रही है नहीं कर रही, जीरो वन इंटरवल में। तो हम इसका चेक करते हैं, सबसे पहले हमें क्या दिया गया, एफ ऑफ के एक्स एक्स की पावर के अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्केयर। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका लिमिट फंक्शन निकालते हैं। लिमिट फंक्शन क्या है हमारा, तो लिमिट फंक्शन क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, सॉरी एन टेंड टू इन्फिनिटी, अगर यहाँ पे के है तो के टेंड टू इन्फिनिटी एफ ऑफ के एक्स होता है हमारा एफ एक्स। अब देखिए जब मैं एक्स यहाँ पे वन लेता हूँ, एक्स हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, हमें चेक करना है जीरो से वन इंटरवल में। जब हम एक्स को वन लेते हैं, मीन्स जब हमारा एक्स वन है तो ये क्या है, वन, वन की पावर के, इट मीन्स वन, वन प्लस वन, इट मीन्स वन अपॉन टू का होल स्केयर इक्वल टू वन बाई फोर। तो यानी जब एक्स हमारा वन वन है तो हमारा क्या आ रहा है, एफ एक्स क्या आ रहा है हमारा, वन बाई फोर। अगर एक्स हमारा जीरो है तो हमारा क्या है फंक्शन, जब यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो जीरो अपॉन वन, तो हमारा क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो हमारा लिमिट फंक्शन है, जो हमारा एफ एक्स है, वो क्या आ रहा है, डिसकंटिन्यूस आ रहा है, किस इंटरवल में, इस इंटरवल में। तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, यूसी नहीं है। तो हमारा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट यूसी, यानी कन्वर्ज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो हमारा फंक्शन क्या हुआ, नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, हमें अर्धिया क्या गया था, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ के इज कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत। हम बाकी ऑप्शन पे चेक करते हैं, अब हम चेक करते हैं फर्स्ट ऑप्शन को। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया, फॉर इच के एफ के इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, हमें बताना है कि फंक्शन हमारा बाउंडेड वेरिएशन बन रहा है नहीं बन रहा किसी भी कॉम्पैक्ट इंटरवल में। तो हम द्वारा से लिखते हैं अपना फंक्शन क्या है, एफ ऑफ के एक्स एक्स की पावर के वन प्लस एक्स का होल स्केयर। हमें चेक करना है कि फंक्शन हमारा बाउंडेड वेरिएशन बन रहा है नहीं बन रहा। तो हम क्या करेंगे, हमें रिजल्ट का पता है, अगर कोई भी फंक्शन एफ किसी कॉन्टिन्यूस ऑन कॉम्पैक्ट इंटरवल, किसी भी कॉम्पैक्ट इंटरवल में अगर वो कॉन्टिन्यूस है एंड f dash is bounded on AB, तो हमारा imply करता है f is bounded variation, means अगर हम ये बता दें कि हमारा कोई function continuous है किसी भी compact interval में और साथ में उसका derivative क्या हो जाए, bounded हो जाए उसी interval में, तो हम function को call देते हैं हमारा bounded variation है। तो हम इसी रिजल्ट से इसको चेक करेंगे बाउंड्री वेरिएशन है या नहीं है। एक बात देखिए, x तो हमारा बिलोंग कर रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस फंक्शन की डिस्कंटिन्यूटी कहां पे है,
जब नीचे वाला जीरो होगा मीन्स एक्स इक्वल टू माइनस वन पे हमारे क्या आ रहा है फंक्शन की डिस्कंटिन्यूटी आ रही है। लेकिन हमें पता है कि एक्स तो इसमें है ही नहीं क्योंकि एक्स तो हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है जीरो से इन्फिनिटी में। तो अगर हम हमारा एक्स इसमें से बिलोंग कर रहा है तो हमारा इस ये फंक्शन क्या हो जाएगा इस इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस। तो हमारा पूरे इस इंटरवल पे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूस। तो पैरेलल टू हमारा क्या हो गया फंक्शन तो हमारा बन गया कॉन्टिन्यूस। अगर हम अब हम ये बता दें कि फंक्शन का डेरिवेटिव बाउंडेड है किसी भी इंटरवल पे कॉम्पैक्ट इंटरवल पे, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा बाउंडेड वेरिएशन। तो हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा नीचे वाले का होल स्केयर करेंगे मीन पावर चार हो जाएगी, ऊपर जाके सेम ऊपर वाले का डेरिवेटिव के एक्स की पावर के माइनस वन माइनस ऊपर वाला सेम नीचे वाला का डेरिवेटिव टू वन प्लस एक्स। अब एक बात देखिए एक्स हमारा क्या है हमें चेक करना है किसी भी कॉम्पैक्ट इंटरवल के लिए मीन्स एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है किसी भी कॉम्पैक्ट इंटरवल के लिए। अगर हम कोई भी एक्स हमारा जब मैं किसी भी कॉम्पैक्ट इंटरवल से लूंगा मीन्स एक्स और वाई एक्स हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है कॉम्पैक्ट इंटरवल से मीन्स एक्स हमारा कोई ना कोई फाइनेट क्वांटिटी आएगा ठीक है। अगर मैं इस एक्स को यहाँ पे पुट करूंगा तो ऑलवेज क्या आएगा फाइनेट आएगा और फाइनेट आएगा किसके लिए फॉर ऑल के लिए। तो हमारा ये क्या हो जाएगा ऑलवेज फाइनेट मीन्स हम बोल सकते हैं किसी ना किसी नंबर से बाउंड हो जाएगा। तो हम किसी ना किसी नंबर से बाउंड हो जाएगा तो हमारी सेकंड कंडीशन भी क्या होगी बाउंडेड वाली एफ डैश बाउंडेड वाली भी क्या होगी ट्रू। तो इससे क्या हो जाएगा हम डायरेक्ट बोल सकते हैं हमारा फंक्शन क्या है बाउंडेड वेरिएशन। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ठीक। अब हम चेक करते हैं थर्ड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन को। हमें चेक करना है कि फॉर एवरी के इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी एफ के डीएक्स एग्जिस्ट मींस इसकी जो वैल्यू है वो फाइनाइट आ रही है नहीं आ रही। तो हम चेक करते हैं हम लेते हैं इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी एफ ऑफ के एक्स डीएक्स। अब जहां पे हमारा एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ के क्या हमारे पास ये हमारे पास एक्स की पावर के वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। हमें चेक करना फोर और फोर एवरी के लिए चेक करना। तो हम क्या करते हैं के को वन ले लेते हैं के हमारे बिलोंग के क्या हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू वन है। तो मैंने क्या किया के को वन ले लिया तो उससे क्या हुआ जीरो टू इंफिनिटी ये क्या बन जाएगा एक्स की पावर वन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। तो मैं ये देखता हूँ इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइनाइट आ रही है इनफाइनाइट एक बार। तो क्या हो जाएगा उसे इसका इंटीग्रेशन फोल्ड करते हैं हमने क्या किया वन ऐड कर दिया वन कर दिया सब्ट्रैक्ट हम अलग अलग कर सकते हैं नीचे। तो क्या आ जाएगा जीरो टू इंफिनिटी पावर एक कट जाएगी माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी ये आ जाएगा हमारे पास। तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ये तो हमारा हो गया लॉग एक्स लॉग इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग वन प्लस एक्स लिमिट हमारे जीरो टू इन्फिनिटी माइनस मैं पावर ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगी हमारी वन प्लस एक्स की पावर माइनस टू इंटीग्रेशन करूंगा क्या हो जाएगी वन प्लस एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइड टू माइनस वन आएगा प्लस वन हो जाएगा और लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी। अब हम लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे आ जाएगा लॉग इन्फिनिटी माइनस लॉग वन प्लस ये हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स। तो देखिए ये ऑलवेज क्या है इन्फिनिटी हमें पता लॉग इन्फिनिटी हमारे पता है इन्फिनिटी ये बन जाएगा हमारा जीरो। ये क्या आएगा जब हम पुट करेंगे ये आ जाएगा हमारा प्लस लॉग इन्फिनिटी मीन्स जीरो माइनस वन तो ये तो आ जाएगा हमारा माइनस का वन। तो एक बात देखिए ये तो हमारा आ रहा है इन्फिनिटी माइनस में जीरो माइनस में वन मीन्स क्या आ रहा है टोटल हमारा क्या है इन्फिनिटी मीन्स जो हमारा इंटीग्रेशन था इसकी वैल्यू क्या आ रही है इन्फिनिटी। तो मीन्स मैं बता रहा था कि इसकी जो वैल्यू है वो फाइनाइट आएगी नहीं आएगी वो क्या आएगी इन्फिनिटी। तो हमारे ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। अब बच गया हमारा ऑप्शन थर्ड।
अब इसको चेक करते हैं, थोड़ा उसमें चेक करना है हमें, लिमिट के टेंड टू इनफिनिटी जीरो टू वन एफ ऑफ के एच डी एक्स एग्जिट, हमें बताना है कि जो इसकी लिमिट एग्जिट कर रही, मतलब उसकी जो इंटीग्रेशन एग्जिट कर रहे हैं, तो हम करें लिमिट के टेंड टू इनफिनिटी इंटीग्रेशन जीरो टू वन। अब देखिए फंक्शन में ये दिया है, हम अगर कुछ कर देंगे तो आ जाएगा एक्स की पावर के वन प्लस एक्स की स्क्वायर डी एक्स, और एक्स हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है, एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो हमें बताना है इसकी लिमिट, जो ये इंटीग्रेशन है फाइनाइट आएगा इनफाइनाइट आएगा, तो हम इसको कैसे चेक करते हैं, एक बात का पता है हमें कि वन ऑलवेज लेस देन इक्वल टू वन प्लस एक्स, अगर एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो वन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वन प्लस एक्स, तो सॉरी वन लेस देन इक्वल टू वन प्लस एक्स, हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, क्या हो गया वन अपॉन वन फोर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो मैंने क्या किया है, मैंने मिनिमम कर दिया इसको, ये क्या आ गई, यानी हम कह सकते हैं इसकी जो हमने मैक्सिमम वैल्यू क्या है वन प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है वन। तो अब हम इस रिजल्ट का इसमें यूज करेंगे, तो अब देखिए अगर मैं इसको जो ये नीचे वाली है ये क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू क्या है वन, तो देखिए अब क्या होगा, लिमिट के टेंड टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन जीरो टू वन एक्स की पावर के डी एक्स, मैंने मैक्सिमम वैल्यू कर दिया पुट। अगर ये फाइनाइट आ गया तो ये तो ऑलवेज फाइनाइट आएगा क्योंकि इससे छोटा है, तो अब हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, लिमिट के टेंड टू इन्फिनिटी इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स की पावर के प्लस वन अपॉन के प्लस वन जीरो से वन। अब हम पुट करते हैं लिमिट के टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट पुट करते हैं क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा वन के प्लस वन, जब हम जीरो पुट करेंगे हमारा जीरो बन जाएगा। अब हम लिमिट लगाते हैं इन्फिनिटी, तो ये क्या आ जाएगा जीरो, तो इट मीन्स हमारा जो इसकी वैल्यू है इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या कर गया जीरो हो गया ऑलवेज, तो हमारे तो हम कह सकते हैं कि ये क्या फाइनाइट है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। तो इसके फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन आर ट्रू है। थैंक यू।